मिसेस प्रीता लूथरा, अब कहानी खुल चुकी है, किरदार सामने आ गया है, चेहरों से पर्दा उठ गया है। तो अब आप एक बात बताइए, अब आप पूरी कहानी खुद सुनाएंगी या मैं सुनाऊं? अक्षय का कातिल हमें मिल गया है और वो आप है मिसेस प्रीता लूथरा। यू आर अंडर अरेस्ट। सुशीला। यस सर। मिसेस प्रीता लूथरा को पुलिस स्टेशन ले चलो। ओके। एक मिनट, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या सबूत है आपके पास कि प्रीता ने अक्षय का खून किया? आपके पास क्या सबूत है कि प्रीता ने अक्षय का खून नहीं किया? व्हाट, आर यू सीरियस? आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज। मैं प्रीता से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज। नो, अरेस्ट हर। एसीपी साहब, आप मेरे पति को, हमारे परिवार को काफी टाइम से जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उस रिश्ते नाते के खातिर प्लीज प्लीज मुझे अपने बहू से अकेले में 5 मिनट के लिए बात करने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर। ओके ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। And your time starts now. Thank you so much. Preeta, putar mere saath ja. चाहती थी वो एसीपी सर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे। मैं अक्षय से मिलने गई थी लेकिन आपको नहीं पता वो अक्षय के पास हमारी कुछ फोटोज और वीडियोस हैं जो उसने बोला कि अगर मैंने उसको पैसे ला के नहीं दिए तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो फोटोज रिलीज कर देगा, वायरल कर देगा। अगर मैंने राखी माँ को बता दिया कि अक्षय कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा था तो राखी माँ मुझे बचाने के लिए मेरा ही साथ देंगे, ये बात पुलिस को बता देंगे। पुलिस पूरी छानबीन करेगी और जिस बात को हम दबाने की कोशिश कर रहे थे, कृतिका के फोटोज और वीडियोज, वो सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैंने तो कृतिका को प्रॉमिस किया है कि उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आएगी, तो मैं ये बात राखी माँ को नहीं बता सकती। इससे इस परिवार की नहीं, करण लूथरा की भी बदनामी होगी। प्रीता, उधर तो चुप क्यों है? और क्या बता रही थी तू? उसके आगे बोल। मैं जानती हूँ तू कभी किसी का गलत नहीं सुन सकती, तू कभी किसी को मार नहीं सकती। लेकिन अगर गलती से भी ऐसा कुछ हुआ है तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। प्रीता, मुझे पता वो कारण क्या था? लेकिन पुत्र तू होटल में अक्षय से मिलने गई क्यों थी? मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। गलती वो मुझे तो पता भी नहीं था कि अक्षय के साथ कुछ ऐसा हो गया। जब तक एसीपी सर ने आकर बताया नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं नहीं करना चाहती थी, गलती से हो गया। धीरज रख, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन रास्ता
तो दम निकलेगा ना जब तू मुझे सच बताएगी। बोल बेटा, क्या हुआ था वहां? क्यों गई थी तू? क्यों गई थी अक्षय से मिलने होटल? ऐसे क्या हो गया जो तुझे ये बता ना। वो अक्षय अच्छा लड़का नहीं था, बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं था। और जब अक्षय और कृतिका की शादी टूटी गई थी तो उसका कृतिका को फोन करने का क्या मतलब? वो मैंने कृतिका के फोन पे अक्षय का फोन देखा था, अक्षय का कॉल आते हुए देखा था। जिस दिन ये सब हादसा हुआ मुझे अक्षय उस होटल के बाहर खड़ा हुआ मिला, तो मुझे लगा कि मुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए कि उसे कृतिका को परेशान नहीं करना चाहिए। तो मैं उसे फॉलो करते हुए होटल के अंदर गई और बोल। और वो बदतमीजी से बात करने लगा, बहुत बदतमीजी करने लगा, तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरे हाथ में एक वो वुडन ट्रे आया और मैंने उसके सर पर मार दिया और मैं वहां से चली गई। लेकिन जब मैं वहां से निकल रही थी तो वो जिंदा था। वो उसको बस चोट आई थी ऐसा लगा मुझे। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों से उसे इतनी जोर से लग गई है। नहीं प्रीता, प्रीता पता नहीं क्यों मेरा दिल मान नहीं रहा। तू जो अब बता रही है वो आधा अधूरा सच है। एक फोन कॉल के लिए तू अक्षय के होटल में तो नहीं चली जाएगी। जरूर इसके आगे पीछे कोई तो बात है जो तू मुझसे छुपा रही है। खैर, अब जो कुछ भी हुआ तू एक काम कर, इस खिड़की से बाहर चली जा। बाहर कार खड़ी है, कार में बैठ के यहाँ से भाग जा। क्योंकि पुत्र अगर एसीपी साहब ने तुझे गिरफ्तार कर लिया ना, फिर वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं नहीं चाहती है कि तेरे साथ कुछ गलत हो। तुझे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तू यहाँ से भाग जा और वापस नहीं आना। मैं देखती हूँ, मैं बाहर जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी, लेकिन तू भाग जा, तू यहाँ से भाग जा। तू यहाँ नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। तुझे गिरफ्तार करेंगे। नहीं नहीं नहीं, भाग जा, भाग जा यहाँ से। मिसेस प्रीता लूथरा कहाँ रह गई? मैंने उन्हें सिर्फ 5 मिनट दिए थे, अब तक वो बाहर नहीं आई। लगता है मुझे ही अंदर जाना होगा। बिना वारंट के आप मेरे घर के अंदर नहीं जा सकते। और मेरे होते हुए आप प्रीता को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सुशील सर, एक हथकड़ी और तैयार करो। लगता है द करण लूथरा को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। राखी जी, अब अकेली बाहर आ गई, प्रीता कहाँ है? प्रीता को मैंने इस घर से भगा दिया। एसीपी साहब कहाँ जा रहे हैं आप? आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने आपसे कहा ना प्रीता अंदर नहीं है। ये देखना हमारा काम। एसीपी साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ मेरी दोनों बहुओं का कमरा है। इट्स नॉट करेक्ट ऑन योर पार्ट। सुशीला, एक काम करो, अंदर जाओ और प्रीता को लेकर आओ। देखिए राखी जी, एज अ वुमन मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए आपसे बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहता। तो प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आज आपको अपने बेटे और बहू के लिए तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि प्रीता ने जिस लड़के का खून किया है वो भी किसी का बेटा था। हम यहाँ पर किसी की बहू को अरेस्ट नहीं करने आए, बल्कि एक कातिल को लेने आए हैं जो हम ले जाकर रहेंगे।
सर, राखी जी ने इनको रूम में क्लॉक करके रखा था। प्रीता, प्रीता मैंने तुझसे कहा था ना भाग जा, क्यों नहीं भागी? तुझसे तेरी अच्छाई दूर नहीं होगी ना। पुत्र, ये लोग तुझे टेस्ट करके ले जाएंगे। शीला, ले चलो इन्हें। ऐसी फिसाव ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। करन कुछ कर। एक मिनट। मैंने मना किया ना, छोड़ यार उसका, ऐसे नहीं लेके जा सकते आप। मना किया ना मैंने, मेरे होते हुए कोई प्रीता को यहां से नहीं लेकर जाएगा। देखिए, आप कानूनी कार्यवाही में दखलंदाजी कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप इसको यहां से लेकर नहीं जा सकते। छोड़िए इसे, खोलिए। अरे सिम। यस सर। करण को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हटिए, हटिए। अरे करण को क्यों हाथ लगा रहे हो? उसकी क्या गलती है? उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो आप प्लीज इन्हें मत छूइए। मैं कह रही हूं ना कि मेरी गलती है। अक्षय बहुत बुरा लड़का था। कृतिका और अक्षय की शादी टूटने के बाद भी कृतिका को कॉल करके उसे परेशान करता था, तो मैंने जब उसे उस होटल के बाहर देखा तो मैंने सोचा कि उसको फॉलो करके उससे बात करती हूँ, उसको कहती हूँ कि हमारी कृतिका को परेशान करना बंद करे। तो मैं उसके पीछे गई और मैंने उससे बात करनी चाही, लेकिन वो मुझसे बदतमीजी से बात करने लगा। मैं उसे समझा रही थी, लेकिन हम दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो गया। आर्गुमेंट बहुत हीटअप हो गया, और इतना ही नहीं, वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, तो मेरे हाथ में वो एक लकड़ी का ट्रे आया, मैंने उसके सर पे मार दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको इतनी जोर से चोट लग जाएगी कि उसकी जान चली जाएगी। जानबूझ कर नहीं किया, किसी को मारने का मेरा इरादा नहीं था। और मैं तुम्हें बताने वाली थी, मुझे मौका नहीं मिला। I'm sorry. लेकिन बताया तो नहीं ना। नहीं बताया ना, मुझे तुम्हारी सॉरी सुननी है और ना तुम्हारी कहानी। कुछ नहीं सुना मुझे। नहीं, मेरी बात करो। तीन दिन
करण तुम्हें छोड़ देगा। आज मेरे चैलेंज के 3 दिन पूरे हो गए। करण प्रीता अलग हो गए। I just can't believe it. प्रीता अरोरा ने अक्षय का खून कर दिया। God, अभी तो मैंने उस लड़की पे विश्वास करना शुरू किया था, लेकिन ये लड़की विश्वास के लायक ही नहीं है। पता नहीं ये लड़की करती क्या है, जब से आई है ना गलत काम कर रही है, और जब से आई है इस घर में मुसीबत ही मुसीबत आती जा रही है। जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, ये लड़की कोई ना कोई ड्रामा जरूर करती है। एक बात सब लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, प्रीता को सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। करीना फोन दे। पुत्र फोन तो तुझे दे देंगे, लेकिन प्रीता के लिए किसी को फोन नहीं करेगा, समझा तू? क्यों नहीं करूंगा माँ? हाँ, बापू मैं उसका, बेटी है वो मेरी, इस घर की बहू वो बाद में बनी है, पहले मेरी बेटी बनी थी वो। पर एक बाप अपनी बेटी की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देखा तूने, तुझे कितनी बार कहा है कि उसके सामने आके कोई बात मत किया कर, लेकिन तू ना मानती नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे टेंशन हो जाती है। क्यों आके बोला तूने, क्यों किया ऐसे? बेटो, जी भाई साहब। बंदे, जी भाई साहब। कोई जरूरत नहीं। अरे माँ, प्रीता के लिए किसी को भी फोन नहीं करेगा तू। और बिट्टू, क्यों टेंशन दे रहे ऐसे? तुम रुक जाओ, इसे आराम करने दो, ये ले चल। हर त्योहार का दिन, खुशी का दिन वो लड़की पता नहीं क्या करती है, मिट्टी डाल देती है, सब खराब कर देती है, हो गई हमारी होली। पर माँ, कैसी बातें कर रही हो? शैलिन की तरह प्रीता भी इस घर की बहू है। पर भाई, बहू का कोई फर्ज निभाया नहीं है उसने, हर बार हमारी बेइज्जती की है। तो अगर वो जेल में रहेगी तब भी तुम्हारे परिवार की बेइज्जती है ना भाई? आप बात को समझ नहीं रहे हैं, आज होली के दिन पुलिस आई घर पे, उसे अरेस्ट करके लेके गई। करीना, तुम समझने की कोशिश करो, वो घर की बेटी है, इस घर की बहू है, और मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। ठीक है, जो भी है, तुम मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। हम बाद में फोन कर लेंगे, आप पहले आराम कीजिए। राखी जी, प्रीता किसी का खून नहीं कर सकती, वो मेरी बेटी है और मुझे पूरा विश्वास है अपनी बच्चियों पर, मेरी बेटियां कोई गलत काम नहीं कर सकती। और आपको विश्वास नहीं है प्रीता पर? आपने पुलिस को ऐसे ही उसे ले जाने दिया, गिरफ्तार करने दिया? आप रोक सकती थी ना? आपने बहुत गलत किया राखी जी, बहुत गलत किया। पेंजी रुको, मैं भी आज पेंजी। वर्णा जी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं प्रीता को बचा लूं। भाई, क्या कर रहे हो आप? भाभी को पुलिस ले गई है, आप जाके उनको लेके आइए, आप जानते हो वो निर्दोष है। सब जानता हूं मैं, सब कुछ जानता हूं मैं, ओके? मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है। मुझे बस तकलीफ इस बात की कि प्रीता ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वहां क्या करने गई थी और क्यों गई थी। मुझे तो बता सकती थी ना अपने पति को, मैं सब कुछ संभाल लेता, ऐसा कुछ होने नहीं देता। भाई देखिए, जो हो गया सो हो गया, गुस्सा अभी गुस्सा करने का टाइम थोड़ी है। भाई पुलिस उनको ले गई है, प्लीज जाके उनको ले। तुझे कहा ना, मुझे मत सिखा कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये सब कुछ किया क्यों, किसके लिए? मेरे लिए किया भाई, जो किया भाभी ने मेरे लिए किया, और उन्होंने कुछ नहीं किया, आप जानते हैं वो निर्दोष है। भाई आप प्लीज समझिए, उनको लेके आइए ना। मैंने उसे मना किया था कि तेरे और अक्षय के मैटर में पड़े ही ना, लेकिन नहीं मानती नहीं है ना मेरी बात। तेरी शादी वाले दिन कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया उसने, और अब देख। भाई अच्छा हुआ मेरी शादी उस अक्षय से नहीं हुई। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, प्लीज। भाई भाभी ने कुछ गलत नहीं किया। अरे मैं जानता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं प्रीता से इसलिए गुस्सा हूँ कि मुझे लगता है उसने मर्डर किया? बेवकूफ है तो। मैं पता उससे क्यों गुस्सा हूँ, क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं कि वो वहां क्या करने जा रही है और क्यों जा रही है। अरे एक चींटी नहीं मार सकती, किसी का मर्डर क्या करेगी? हाँ भाई देखिए, तो मुझे मत सिखा क्या करना है। जस्ट लीव मी अलोन आई सेड। भाई मेरी, लीव मी अलोन। प्रीता
आपसे कोई मिलने आया है? भाभी, कृतिका, आप ठीक हो ना? मुझे तो बहुत कुछ पूछना था। जो भी बात करनी है आपके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए। थैंक्स। मुझे भी आपसे मिलना था भाभी। कृतिका, वो मुझसे बहुत नाराज है ना? करण मुझसे बहुत नाराज। भाभी, आप ऐसा कैसे कर लेते हो हमेशा? अपनी हालत देखिए, आप जेल में बंद है, इतनी टेंशन में है, आपको फिर भी इस बात की फिक्र है करण भाई कैसे है, वो गुस्से में है कि नहीं? भाभी, अपना भी सोच लिया कीजिए प्लीज। मैं क्या करूं, मैं भुला नहीं पा रही हूं कि करण मुझे कितना अपसेट था, इतना डिसअपॉइंटेड था कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें और कृतिका को कैसे लेने के बाहर देखा। हो सकता है मेरा वहम। तुझे पता है करण ने हम दोनों को होटल के बाहर देख लिया था? क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो भाभी? लेकिन टेंशन मत लेना, उसे लगा कि शायद उसका वहम था, लेकिन ये बात उसने मुझसे की थी जब उसने मुझे ये कहा। मुझे तभी करण को सब कुछ बता देना चाहिए था, करण से कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं बताया? पता है, मैं चाहती थी कि मैं तुझसे ये बात करूं कि मुझे लगता है कि करण को बता देना चाहिए, और कुछ भी मैं कर पाती उससे पहले ये सब कुछ हो गया, इसी पे आ गया और मुझे यहाँ ले आए। करण ने तुझसे कुछ कहा? आई एम श्योर तूने करण से कहा होगा कि मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ आए। ऑफ कोर्स भाभी, ऑफ कोर्स मैंने उनसे कहा था, उनके रूम में गई भी थी मैं। पर भाभी, बहुत गुस्सा था करण भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा था। भाभी, हम ये सारी बातें भाई को बता क्यों नहीं देते? देखिए, सब सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जाके बता देते ना, हम क्यों छुपा रहे हैं उनसे? बता तो दिया है, छुपाए क्या है? सिर्फ वो फोटोज और वीडियोस की बात, वो भी तू जानती है कि क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड किया था ना कि हम ये बात बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से तेरी इज्जत पर कोई भी आ जाए या लूथरा परिवार को समाज के आगे सर झुकाना पड़े। और ये सब कुछ बताने से भी क्या हो जाएगा? अक्षय एक बुरा इंसान था, वो बात तो नहीं बदल जाएगी ना। ये तो मैंने कहा ना कि वो तुझे हरास कर रहा था कॉल करके, और उसने मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तो अगर हम फोटोज और वीडियोज की बात करते भी हैं तो उससे बदल क्या जाएगा? अक्षय जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना? नमस्ते, इसका सब वो मेरी बेटी है रीता लूथरा। सुशीला। यस सर। इन्हें इनकी बेटी से मिलाओ। जी सर, आइए। अभी अब यहाँ सिर्फ मेरी वजह से है, सॉरी, सिर्फ मेरी वजह से आप यहाँ पे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कृतिका, तू पागल है क्या? क्यों ऐसी बातें कर? क्या हुआ? क्या हुआ कृतिका? कुछ ही वहां क्यों देख रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ माँ, वो कृतिका उदास है ना मुझे ऐसा देखकर, इसलिए। वो उदास है तो हम भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं तुझे यहाँ जेल में देखकर। पता तो चले मुझे क्यों हुआ, क्या है, क्यों है तू जेल के अंदर? एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने घर में किसी को बताया नहीं कि मैं अक्षय से मिली थी। वो मुझे एक होटल के बाहर दिखा तो मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर उससे बात करती हूँ कि वो हमारे परिवार से दूर रहे। जब मैं उसे ये सब कुछ कह रही थी तो हम दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा सा हो गया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया माँ कि वो बदतमीजी पर उतर आया। माँ, मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे हाथ में जो भी आया ना वो एक ट्रे थी, मैंने उसके सर पे जोर से दी मारी। फिर उसके बाद मैं वहां से निकल आई। मुझे नहीं पता कि वो उस वार से मरा, और अगर वो उस वार से मरा है तो हाँ मैंने उससे मारा है माँ। तुझे मैंने पैदा किया, तू जो अपने बारे में नहीं जानती ना उससे ज्यादा मैं तेरे बारे में जानती हूँ। तू क्या महसूस करती है, तुझे कब दुख होता है, तुझे
कौन सी बात को लेकर परेशानी हो रही है? तेरा चेहरा देखकर समझ जाती हूँ, मेरा दिल समझ जाता है, और मैं ये जानती हूँ कि तू झूठ कह रही है, तूने उसे नहीं मारा। क्या आपको आइडिया भी है आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो? नहीं, ये कोई मुसीबत में नहीं फंसी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू झूठ बोल रही है, क्योंकि तू कभी झूठ नहीं बोलती। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तूने ट्रे उसके सर पर भी मारी है, तब भी तेरे हाथों से किसी का खून नहीं हो सकता। तू किसी को नहीं मार सकती, तूने नहीं मारा है उसे। मामा बिल्कुल सही कह रही है, आपने अक्षय को नहीं मारा है थी, अक्षय को किसी और नहीं मारा है। अगर ये बात है कि अक्षय को किसी और ने मारा है, तो माँ, तो ये बात किसी से छुपेगी नहीं, सामने जरूर आ जाएगी। मुझे हमारे देश के कानून पर विश्वास है, मैं बाहर आ जाऊंगी। माँ प्लीज इतनी टेंशन मत लीजिए। जब तक तू बाहर नहीं आएगी मेरी टेंशन कम नहीं होगी। कृतिका, करण तो है, उसे तो यहाँ होना चाहिए था ना, उसकी पत्नी इस समय जेल में है, तो उसके पति को यही होना चाहिए। उस परिवार से यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्यों कोई यहाँ नहीं खड़ा है अपनी बहू के लिए? अगर महेश जी ठीक होते ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ होते। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम परिवार से किसी को तो होना चाहिए था। मेरी बच्ची के वकील को फोन कर देना चाहिए था, वकीलों को यहाँ आ जाना चाहिए था। अब तक तो कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी तुझे बाहर निकालने के लिए। आंटी, आंटी, ये जो भी हो रहा ना, उसकी वजह से मैं देखा। माँ, ये बहुत देर से यहाँ है, घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। चल, पहले बहुत परेशान है सब, तू और परेशान मत कर, तू घर जा। अभी तू जा घर, कृतिका, तूने सुना नहीं, तू जा। अब वो चली गई, अब तो सच्चाई बता दे, क्या सच्चाई है, बोलना, बोल। यही सच्चाई है माँ, वो कृतिका को बुरा लग रहा है क्योंकि मैं अक्षय को नहीं, उसकी वजह से। कोई जरूरत नहीं, सच्चाई क्या है ना, मैं वहां तेरे ससुराल जाकर सबसे पूछूंगी। मैं जा रही हूँ। नहीं माँ, सुनिए, उनकी कोई गलती नहीं है। भाग के भागो, लूथरा परिवार में किसी की कोई गलती नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं अक्षय से मिलने गई थी। जा जल्दी जा, वरना दोनों परिवारों में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। जा भागो, रुक जाके फटाफट। देखो बेटा, ये जो पिल्लों में दे रही हूँ, किसी को बताना मत। वैसे आपकी सासू माँ आपको बहुत प्यार करती है। लड़ाई माफ करते हैं, रहना तो एक ही साथ है, इस कमरे में सोना भी एक ही साथ है। नहीं, नहीं। ये मेरा कुशन होके मैं लेकर जाऊंगा। करण, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे एसीपी साहब। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि प्रीता बेकसूर है, इनोसेंट है वो। और अगर वो इनोसेंट नहीं हुई तो साबित कीजिए। आप क्यों नहीं साबित करते कि वो? क्योंकि पुलिस आप है, मैं नहीं। मेरा काम है गुनहगार को अरेस्ट करना, और कोर्ट का काम है गुनाह साबित करना और गुनहगार को सजा देना। मैंने अपना काम कर दिया है, और कल दोपहर 3 बजे कोर्ट भी अपना काम कर देगा। तुम भी अपना काम करो।
आई मीन साबित करो कि प्रीता इनोसेंट है। आपको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ मुझे तो ये बिल्कुल मजाक नहीं लग रहा, शायद तुम्हें लग रहा होगा। इसलिए प्लीज ये बेबुनियादी बातें करके मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जाकर एक लॉयर हायर करो। थैंक यू एसीपी साहब फ्री की एडवाइस देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मेरा लॉयर आ रहा है। अभी क्यों? सॉरी करण। सॉरी क्यों? वो एक्चुअली जब तक मैं कोर्ट पहुंचा कोर्ट बंद हो चुका था, सो बेल नहीं मिली। What do you mean by बेल नहीं मिली? करण प्रीता को आज ही रात यहीं बितानी होगी, वो आज बाहर नहीं आ सके। Are you mad? प्रीता यहाँ कैसे रुक सकती है इस जेल में? आपने देखी जेल? हाँ कहाँ सोएगी वो, क्या खाना खाएगी, यहाँ का खाना खाएगी? You're useless. ये मेरा क्वेश्चन है, ओके मैं लेकर जाऊंगा। सरला आंटी क्या चाहिए तुम्हें? मुझे राखी जी से मिलना है। मम्मी जी घर पे नहीं है। राखी जी? अरे आपको समझ में नहीं आता वो घर पे नहीं है? कितने बदतमीज हो। अरे बोला ना वो घर पे नहीं है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे राखी जी से बात करनी है। यहाँ पे राखी जी, राखी जी। ओह गॉड इतना शोर कौन? बट ऑफकोर्स इतना शोर तुम ही मचा सकती हो। क्या काम है, क्यों आई हो हमारे घर पे? मुझे राखी जी से जरूरी काम है, मैं उन्हें बताऊंगी। सरला आंटी आप कृतिका राखी जी को बुला दो, मुझे राखी जी से जरूरी काम है। आंटी आप टेंशन ना। कृतिका मम्मा मेरी बेटी से दूर रहो, अब निकल जाओ यहाँ से, कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। शर्लिन जी शायद सरला अरोरा हमारे घर से बाहर जाने का रास्ता भूल गई है, इसे रास्ता दिखा दो। आप चलिए यहाँ से। आप बताओ मुझे
मैं यहाँ पर राखी जी से मिले बिना नहीं जाऊंगी। मम्मी जी घर पर नहीं है। सरला जी आप यहाँ? राखी जी मुझे लगा कि आप घर पर हैं। आप राखी जी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। राखी जी मैं बहुत सारे वकीलों के पास गई, वो कोई प्रीता का केस नहीं ले रहा है। कोई कह रहा है कि एक ही हेरी में खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कोई कह रहा है कि हम हार सकते हैं इसलिए हम उसका केस नहीं लेंगे। आप तो मेरी मदद करेंगी ना? और मैं यहाँ क्यों आई हूँ आपसे मदद मांगने? आपको उल्टा आना चाहिए था मेरे पास ये कहने के लिए कि आप क्या कर रही है उसे जेल से बाहर निकालने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया आपने राखी जी, आपने उसे ले जाने दिया। आपके घर की बेटी होती तो आप ऐसा करती? वो आपकी बहू थी, मैं एक माँ हूँ। मेरा दिल, मेरा कलेजा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, आप समझ नहीं सकती अपनी बच्ची को जेल में देख के मुझ पे क्या गुजर रही है। मैं हर जगह भाग भाग के वकीलों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई वकील मेरी बात ही नहीं सुन रहा, इसीलिए हार कर मुझे यहाँ आना पड़ा। मानती हूँ उसकी शादी कर दी, उसे आपको सौंप दिया, लेकिन फिर भी उसकी मुश्किल में, उसके दर्द में मेरा कलेजा दर्द करता। मैं मरूंगी नहीं ना तब तक वो मेरी बेटी है, उसने इस घर को अपना मान लिया है। आपको आपको माँ मानती है, वो जितना ही प्यार करती है आपसे, परिवार में सबकी देखरेख करती है, सबको अपना मानती है, लेकिन आप लोगों ने उसे अब तक अपना नहीं माना है, पराया ही रहने दिया है। अरे घर में कोई चार दिन रह लेता है ना उससे भी लगाव हो जाता है, वो इतने दिनों से इस घर में है, इस घर की बहू, आप लोगों को उनकी कोई चिंता नहीं पड़ी। हर बार उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है और मैं यहाँ आकर आप लोगों से भीख मांगती हूँ। अपनी बच्ची, क्योंकि वो इस घर को, इस परिवार को इतना प्यार करती है, यही सजा देना चाहते हैं आप उसकी? आपने क्या कहा कि आप उसे बेटी मानती है? कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा करती है क्या? आप चैन से बैठ कैसे सकती है? आपको नींद कैसे आ सकती है जब आपकी खुद की बच्ची वहां जेल में हो? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, मेरी बच्ची वहां जेल में है और आप करना जी। सरला बहन जी आप कैसी बात भी कर रही है, मैं समझती हूँ आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन विश्वास मानिए जितना दुख आपको हुआ है ना उतना दुख मुझे भी हुआ है। कृतिका तो मेरी बेटी है ही, लेकिन सच कहूं प्रीता का दर्जा कृतिका से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो बहू होने के साथ साथ बेटी भी है। बहू तो वो अब जाके बनी है इस घर की, लेकिन महिषी और मैंने तो उसे अपनी बेटी पहले मान लिया था। आज जब वो बेटी मेरी मुसीबत में है तो बताइए मैं क्या उसकी मदद नहीं करूंगी? मैं वो दिन नहीं भूली जब जब इस परिवार पे कोई मुसीबत आई तो एक प्रीता ही थी जो ढाल बनके इस परिवार के साथ हमेशा खड़ी रही है, हर मुश्किल में, हर मुसीबत में हमेशा हमारा साथ दी है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं प्रीता का साथ दूं। विश्वास कीजिए सरला जी, मैं प्रीता को जल्द से जल्द इस घर में ले आऊंगी। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करूं, और मैं करूंगी। मेरे से जो बन पाएगा मैं करूंगी। और आपको क्या लगता है हम हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे? आपको पता है करण और मैं अभी वकील के पास ही गए थे, वहीं से लौट रही हूं मैं। Really? आप वकील के पास गई थी? मना किया था ना मैंने, कहा था प्रीता की मदद कोई नहीं करेगा, लेकिन मेरी बात शायद आपकी समझ में नहीं आती भाभी। कितनी बार एक बात कहूं, एक बार मेरी बेटी की शादी टूट गई, मंडप में छोड़ के चला गया था अक्षय, अब क्या चाहती हैं आप दोबारा से इसकी शादी टूटे? पहली बार तो प्रीता अरोरा की वजह से टूटी थी,
मेरी बेटी के लाइफ में कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी भाभी। करीना दी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जरूरत नहीं मुझे दी बोलने की। प्यार करती नहीं है मुझसे, कोई इज्जत नहीं देती मुझे। कहा था ना आपसे इस बार प्रीता अरोरा को सपोर्ट मत करना, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। हर बार प्रीता अरोरा सही है तो इसका मतलब क्या हुआ मैं गलत हूँ? अगर यही सोच है आपकी मेरे बारे में तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस घर में रह क्यों रही हूँ। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। करीना दी चलो। करीना दी मेरी बात तो सुनिए। करीना दी ये आप कैसी बातें कर रही है दी? जैसे आप सोच रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दी। रियली? दिखाई तो नहीं देता है भाभी, कब से ये औरत मुझे सुना रही है। अगर आप मुझसे प्यार करती ना, मेरी इज्जत करती तो मुझे सपोर्ट करती, इस औरत को नहीं। पर आपके लिए तो अरोरा सी मायने रखते हैं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है आपकी लाइफ में। नहीं दी ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, सच तो ये है कि कृतिका मेरी बेटी है। मैं इसके भले बुरे के बारे में सोचूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए जाके अपनी प्रीता अरोरा के बारे में सोचिए। मम्मा प्रीता भाभी ने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, बर्बाद नहीं की है, ट्रस्ट मी। सुन लिया आपने करीना जी, प्रीता ने जो भी किया कृतिका के लिए किया, आज अगर वो जेल में है ना तो कृतिका के लिए है। गलत, प्रीता अरोरा ने जो भी किया ना वो अपने लिए किया। मेरी बेटी को इस बात में इन्वॉल्व मत करो। स्टॉप इट! प्लीज प्लीज स्टॉप इट! अब क्या क्या हाथ जोड़ रही हूँ, बस कीजिए। इस घर में जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें इस घर की बहू का कसूर नहीं है, बेटी का है। मेरा है, मेरी वजह से हो रहा है सब। क्या कहा तूने? बस बेटा बस, कितनी चिंता कर रही है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन तेरे पास क्या है? कुछ नहीं है बेटा, तू यहां अकेली है और यहां मैं तुझसे पूछने आया हूं कि तू कैसी है। चिंता मत कर बेटा, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वकील से बात कर ली है, बहुत जल्दी तुझे यहां से लेकर जाऊंगा। मैं बता नहीं सकती कि आपको देखकर कितना अच्छा लग रहा। मेरे पापा मुझे मिलने आ गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। आपकी बेटी को आपके आने से कितनी हिम्मत मिली है मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू पापा। बेटा मुझे तो याद नहीं है कि बेहोशी की हालत में मैंने किस किस को कितना मिस किया। सब यादें धुंधली हैं, अधूरी हैं। कुछ याद है, कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि तेरे साथ मेरा रिश्ता मुझे अच्छी तरह से याद है बेटा, कि तू मेरी बेटी है। और बेटा तेरा पाप अब आ गया है ना, चिंता मत कर। अब मैं जिंदगी में वापस आ गया हूं तो तेरी जिंदगी पे कोई खरोच नहीं आने दूंगा। को किसी ने बताया कि मुझे क्या हो गया है? ऐसा क्यों पूछ रही है तू? तुझे ऐसा लगता है क्या कि तूने कुछ गलत किया है? जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन जो हो गया है वो तो बहुत गलत ही हुआ ना। नहीं बेटा, तू कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती।
अरे जो लड़की दूसरों को बचाने के लिए इधर उधर भागती हो वो कभी गलत कर सकती है क्या? नहीं, तो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, ये मेरा यकीन है। अरे बस बस रुक क्यों रही है बेटा, मेरा शेर पुत्र है ना, हाँ तो रो मत, सब ठीक हो जाएगा। और चिंता क्यों कर रही है बेटा, तेरे साथ तो तेरे दो दो पापा हैं, एक वो जो ऊपर बैठे हैं भगवान जी के पास, वो ऊपर से देख रहे हैं तुझे, और नीचे मैं हूं, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द तुझे यहां से लेकर जाऊंगा। रो मत, फिलहाल चलता हूं बेटा, बहुत सारे जरूरी काम है जो पूरे करने। सॉरी भाई। ये क्या बोला तुमने अभी? पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो? सरला आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज भाभी जेल में है और भाभी की जो भी हालत है मेरी वजह से है। भाभी ने जो भी कुछ किया, आप चाहे उसे कोई भी नाम दे दे, उन्होंने अपनी खुशियों का गला घोंट के इस घर की खुशियों को बचाया। तू कहना क्या चाहती है? मैंने जब तुम्हें वहां प्रीता के साथ देखा था ना पुलिस स्टेशन, और तुम मुझसे आंख नहीं मिला रही थी, जैसे कि मुझसे कुछ छुपाना चाहती हो, मैं तभी समझ गई प्रीता ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे कितना पूछा लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन कम से कम तुम तो सच्चाई बता दो बेटा। सब बताऊंगी आपको, लेकिन बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भाभी ने जो किया, जो भी किया, हम सब के लिए किया। अरे आप लोग तो भाभी पे भरोसा भी नहीं करते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे अच्छे से। यहाँ तक करण भाई आप भी भाभी से नाराज थे, उनसे बात नहीं कर रहे थे। अरे नाराज था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता। मेरा मतलब है अभी भी She's Mrs. Karan Luthra, right? मैंने उसे कहा था कि मुझे सब कुछ बताए, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। मेरी नाराजगी की वजह वो है, अगर मुझे बताया होता तो यहाँ तक बात पहुँचती नहीं, मैं अच्छे से हैंडल करता। देख कृतिका, जितना विश्वास तू प्रीता पे करती है ना, मैं चाहता हूँ उतना ही विश्वास मुझ पे करे। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू मेरी बहन है, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये जो तू बोल रही कि प्रीता ने तेरी वजह से सब कुछ किया, हुआ क्या? मम्मा, आप कह रहे थे ना कि मैं अक्षय से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरा पहला प्यार था वो, सच है ये बात, लेकिन ये बात भी सच है कि अक्षय जैसा घटिया इंसान मैंने लाइफ में आज तक देखा ही नहीं है, इतना घटिया इंसान है वो। और क्यों है ना, अगर आपको बताऊंगी तो आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे। प्रीता भाभी कहती थी मुझसे हमेशा, कृतिका तेरे लिए अक्षय अच्छा लड़का नहीं है, मत कर उससे शादी शादी, लेकिन मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी, उल्टा मैं उनसे नाराज हो गई कि जिस लड़के से मैं इतना प्यार करती हूँ भाभी मेरी शादी उससे क्यों नहीं होने दे रही है। नहीं समझ पाई कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। अभी कुछ दिनों पहले मुझे रियलाइज हुआ कि भाभी का तो एहसान है मेरे पे, उन्होंने अक्षय से शादी तुड़वा के मेरी जिंदगी बचाई है, वरना वाकई मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। पापा आपको पता है अक्षय का जिस दिन मर्डर हुआ था ना, उसके एक दिन पहले उसने मुझे फोन किया था, ब्लैकमेल कर रहा था मुझे वो। उसने कहा कि मुझे तुम नहीं तुम्हारे पैसे चाहिए थे। अब देखो शादी तो हुई, पैसे भी नहीं मिले, और पैसे तो मैं तुमसे लेके रहूंगा कृतिका। अपने को डालिंग तुम्हें तो याद ही होगा, हमने साथ में इतना प्यारा टाइम गुजारा है, इतने एक दूसरे के करीब आ गए थे, सारी हदें पार कर गए थे हम लोग। एक हॉट सा किस याद है? अब जैसा कह रहा हूं वैसा करो, चुपचाप से 20 लाख रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी सारी पिक्चर्स वायरल। कृतिका तू शांत हो जा,
सब ठीक हो जाएगा। आपको पता वो सब होने के बाद ना मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, तो मैं अपने रूम में गई और जितनी भी ज्वेलरी और पैसे थे मैंने वो सब लेके मुझे लगा मैं अक्षय को दे दूंगी तो मेरी फोटोज और वीडियोस वायरल नहीं करेगा या मुझे वापस कर देगा, तो मैं उसके पास जाने लगी तो मुझे घर में किसने नहीं देखा, मामी भाभी ने देखा था। भाभी ने मुझसे पूछा अभी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों इतनी टेंस्ड हूँ, क्या प्रॉब्लम है। भाभी ने मुझसे ऐसे पूछा कि भाभी से मैं कुछ छुपा नहीं पाया और उन्हें सब कुछ बता दी, लेकिन भाभी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मम्मा आपको पता है भाभी मेरी ढाल बनकर खड़ी रही, मेरे साथ अक्षय को मिलने होटल गई। इनफैक्ट मुझे वहां जाके भी ना भाभी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाहर कार में वेट करूं और वो अकेले अक्षय से मिलने गई। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कपड़े एक्सचेंज किए और मेरी आवाज भी रिकॉर्ड की ताकि अक्षय को यह लगे कि मैं हूं भाभी नहीं है। लेकिन जब वो अक्षय से फोटोज और वीडियोज लेके वापस आने लगी तो अक्षय ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लग गया। उसे ये लगा कि मैं हूं भाभी नहीं है। अगर मैं होती ना मामी, मुझे नहीं पता वो क्या करता मेरे साथ, क्या जबरदस्ती करता मेरे साथ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, मैं मरी जाती ना मामी, कुछ हो जाता मेरे साथ तो। लेकिन भाभी गई वहां और हद तो तब हो गई जब उस इंसान को ये पता चला कि प्रीता भाभी है। फिर भी उस इंसान ने भाभी को तक नहीं छोड़ा, उनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की मामी। जब वो भाभी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था तो भाभी ने भी सेल्फ डिफेंस में उनके हाथ में जो भी आया उससे अक्षय पे अटैक कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी लड़की अगर इस सिचुएशन में होगी तो क्या अपने अटैकर पे अटैक नहीं करेगी? सेल्फ डिफेंस होता है ना, वो तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किया जो किया। और उसके बाद भाभी वहां से चली गई। भाभी मेरी जो भी भुगत रही है वो सब मेरी वजह से है, कुछ नहीं किया मामी, मेरी गलती है। इस घर में जो भी हुआ है, भाभी जेल में है, अक्षय का मर्डर जो हुआ है, बदनामी जो रुत्रा फैमिली सह रही है वो किसी और की वजह से नहीं है, वो मेरी वजह से, इस घर की बेटी की वजह से, बहू की वजह से नहीं है। मेरी वजह से है, I'm sorry मामी। आप बैठिए, मैं उनको बुला के लाती हूँ। आप कौन आया है? मुझे ये तो नहीं पता कि आपसे मिलने कौन आया है, मुझे सिर्फ इतना बोला गया था कि आपको यहाँ लाना है, तो आप वेट करिए मैं उनको बुला के लाती हूँ। की बदनामी होगी, दुनिया क्या कहेगी, ये सब पर ठेका ले रखा तुमने, हाँ दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, कितनी बार कहा कि सब कुछ मुझे बताया करो, यहाँ तक बात पहुँचती नहीं, मैं ये नौबत ही नहीं आने देता। तुम क्या कह रहे हो? मैं मुझे कृतिका ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारा गुस्सा चाहे सर, मैंने तुमसे सारी बातें छुपाई, मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी, तुम मुझसे इतना गुस्सा मैं समझ सकती हूँ। करेक्ट, समझती हो तुम मेरे गुस्से को समझती हो, लेकिन ये नहीं समझती कि तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ। तुम मेरा गुस्सा समझती हो, लेकिन ये नहीं समझती कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मेरा गुस्सा समझती हो, लेकिन ये नहीं समझती कि कितनी केयर करता हूँ तुम्हारी। गुस्सा समझती हूँ, झूठ बोलती हूँ, गुस्सा समझती मेरा, लेकिन ये नहीं समझती कि मैं तुमसे कुछ नहीं समझती। तुम कुछ नहीं, तुमने मुझे कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते। नहीं,
ऐसा ही है, यही बात है प्रीता। तो मुझे दुख हो रहा है कि मैंने तुम पे गुस्सा क्यों किया, तुम पे इतना चिल्लाया क्यों, मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए था। तो गुस्सा मुझे अपने आप पे आ रहा, मन कर रहा मैं अपने आप को कुछ करूं। अपने ऐसे कुछ मत करो। तुम्हें कैसे सोच सकते हो कि मैं नहीं जानती कि तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम्हें मेरी केयर है, मैं नहीं जानती, तुम कैसे सोच सकते हो? अगर तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होती तो तुम मुझे वो पिंक पेलोड नहीं भिजवाते ना। तुम्हें कैसे पता? मैंने तो उसको कहा था कि मॉम ने भिजवाया था। उसने मुझे यही कहा जो तुमने उसे कहा, लेकिन मेरा दिल तो जानता था ना कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो मुझे वो पिंक पिलो भिजवाए। क्या मैं तुम्हें इतना भी नहीं समझती? मैं जानती थी तुम सुकून से नहीं सहोगे ये सोच के कि मैं यहाँ सुकून में नहीं, तुम्हारी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं आई होगी ये सोच करके मैं नहीं सो रही होंगी। तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा गुस्सा मैं सब समझती हूँ, क्योंकि ये सब समझने के लिए एहसास की जरूरत होती है और मुझे वो एहसास है। मुझे पता है तुमसे जितना हो सका उतना तुमने मेरे लिए किया, और कृतिका की बात सुनने के बाद ही नहीं उससे पहले ही। हाँ तुम मुझसे गुस्सा थे इसलिए मेरे सामने नहीं आए, पर ये नहीं कि तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे थे। वो एक्चुअली मैम मुझे अभी वकील ने बताया कि हियरिंग कल है, मुझे लगा था कि हियरिंग आज है एक्चुअली। तो उसमें क्या हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज मुझे एक रात तो मिलेगी जब मैं चैन से सो पाऊंगी। ठीक करण लूथरा मेरे आसपास नहीं होगा तो कोई चिक चिक भी नहीं होगी, कोई चिकना चिल्लाना भी नहीं होगा, सुकून की नींद आएगी मुझे। और मैं भी अपने बेड पे सुकून से सोऊंगा, कोई चिल्लाएगा नहीं। ये कृतिका भी बहुत पागल है, मैंने उसे बोला कि किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है तो क्यों बोला उसने? एनीवे तुम मेरा एक काम करोगे? बोलो ना। मेरी माँ के पास जाकर एक छोटा सा झूठ बोल दोगे? प्लीज उनको बस कह दो कि मैं ना कल यहाँ से रिहा हो ही जाऊंगी 100%। मुझसे नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता उनसे। ये झूठ मेरे लिए ही नहीं है, माँ की हेल्थ के लिए भी है ना। पता है वो इतना स्ट्रेस ले रही होंगी ना इस वक्त कि मैं यहाँ जेल में हूँ, उनको नींद नहीं आएगी और उनके लिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं नहीं कर पाऊंगा यार ये सब। मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, उनके लिए कर लो ना एक छोटा सा झूठ, बस उनको आज ये तसल्ली हो जाएगी कल मैं रिहा हो जाऊंगी तो वो आराम से सो जाएंगे। प्लीज मैं सल आंटी से जाके कह दूंगा कि तुम सच में कल जेल से रिहा हो जाओगे। थैंक यू। कौन आया? करण पुत्र आ।
खुश रहो, जीते रहो। करण, मैं ना आपसे बहुत नाराज हूं एक्चुअली। आप मुझे सिर्फ बेटा कहती हैं लेकिन मानती नहीं है। आपने फिर से प्रीता का साथ दिया, आप जानती हैं ना उसने क्या किया। मार नहीं रही, क्या होता वैसे? कैसा? वैसे, जैसे हो। क्यों तुम जताना नहीं चाहते हो किसी से, जब उसे प्यार करते हो, उसकी परवाह करते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। हर बार जब मेरे सामने आते हो ना, तुम्हारी एक नई खूबी मुझे दिखने लगती है। मैं जानती हूँ तुम प्रीता से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए उसकी परवाह करते हो, उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो। और तुम्हें ये लगता है कि प्रीता को ये नहीं पता, उसे सब पता है, उसे सब महसूस होता है, वो सब जानती है। वरना तुम ही बताओ, कोई दुनिया में ऐसा है जिसे पता हो कि उसे क्या पसंद है और उसे किस चीज की जरूरत है? वो तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही है उसे इतना प्यार करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, उसको सब कुछ पता है। मतलब मैंने तो उसे बताया भी नहीं था कि वो पहले वो फलूदा मैंने भेजा था, लेकिन उसे पता है। मेरे कहने का मतलब वो बहुत तेज है आपकी बेटी। पितर जी, आप भी कम तेज नहीं हो। आप प्रीता की फिक्र करते हो और उसे बताया भी नहीं, और वो भी जानती है कि आप उसकी फिक्र करते हो, और हमें लगता था कि आप उसकी जरा भी फिक्र नहीं करते हो। एक दूसरे से नाराज हो फिर क्यों करोगे उसके लिए कुछ? लेकिन जो भी किया सिर्फ आपने किया पितर जी, दुनिया वालों को बता देते तो हमें भी तसल्ली हो जाती। जानती हूँ तुम्हें जताना नहीं आता, लेकिन मुझे तो माँ जैसा मानते हो, मुझे बता देते तो कम से कम मुझे तसल्ली। सही कहा आपने, मुझे जताना नहीं आता, लेकिन अगर आप इतना कह रही हैं, पूछ रही हैं तो ठीक है, बता देता हूँ कि आप डरिए मत, मैं खड़ा हूं प्रीता के साथ। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि कल पहली हियरिंग के बाद प्रीता जी इनसे बाहर होगी। शादी किया उससे, वचन दिया उसे, और एक वचन ये भी था कि हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। आप तो जानते हैं हम दी करण उतरा एक बार प्रॉमिस कर दिया तो पीछे नहीं हटता, इसलिए अभी रोना बंद कीजिए एंड बी हैप्पी। कल प्रीता जेल से बाहर होगी, फिर हम मिलके पार्टी करेंगे। आई विश महेश जी, जब पुलिस ने आपकी बहू को अरेस्ट किया तो उसने कुछ ना कहा होता, पर उसने बोल दिया कि वो अक्षय से मिलने उसके होटल के रूम में गई थी। लेकिन अंकल उसने सिर्फ इतना कहा ही तो है। उसका कहना ही तो उसका कन्फेशन हो गया, उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सिद्धार्थ, कोर्ट में फैसला तो जज सुनाएंगे ना। हाँ, पर जैसा कि मैंने कहा कि आई विश प्रीता ने कुछ ना कहा होता तो ये केस में कुछ ऐसा लड़ता कि प्रीता के होटल से निकलने के बाद कोई दूसरा वहां आया और उसने अक्षय का मर्डर कर दिया। पर प्रीता के स्टेटमेंट ने इस केस को बहुत कमजोर कर दिया है। अंकल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रीता झूठ नहीं बोलती, उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा है। आई अंडरस्टैंड करण, ठीक है कल कोर्ट में मिलते हैं। यार सिद्धार्थ, इस केस को इस तरह से लड़ना, उसे मान लो तुम अपनी बेटी का केस लड़ रहे हो। यू डोंट वरी महेश, ठीक है तो मैं चलता हूँ। ओके करण बेटा, सी यू। चिंता मत कर बेटा,
पर प्रीता के स्टेटमेंट ने इस केस को बहुत कमजोर कर दिया है।